वेलकम बैक टू द वीडियो। और आज हम बात करने वाले हैं इंस्टाग्राम अकाउंट को दो तीन इंस्टाग्राम अकाउंट से कैसे अलग करें, फिर फेसबुक अकाउंट को अलग कैसे करें। ठीक है, यानी गाइस होते क्या भाई, जैसे ही आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट के अकाउंट सेंटर में जाते हो, वहां पर आपको एक अकाउंट के साथ में दो तीन अकाउंट और शो करते हैं। चलिए यहाँ पर मैं आपको विद प्रैक्टिकल समझाता हूँ, आपके लिए समझना और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले इंस्टाग्राम ऐप को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने इंस्टाग्राम ऐप को ओपन कर लिया है। यहाँ पर आपको करना क्या होता है, आपको सिंपली प्रोफाइल पर क्लिक करना होता है एंड उसके बाद यहाँ पर आपको थ्री लाइन पर क्लिक करना होता है। जैसे आप थ्री लाइन पर क्लिक कर देते हो, उसके बाद यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाता है। ठीक है, अब यहां पर आपको मिलता है सेटिंग एंड प्राइवेसी, आपको सिंपली इस पे क्लिक करना होता है। जैसे आप इस पे क्लिक कर देते हो, उसके बाद यहां पर आपको मिलता है अकाउंट सेंटर। ठीक है, आपको सिंपली इस पे क्लिक कर देना है। जैसे आप अकाउंट सेंटर पे क्लिक कर दोगे, अब यहां पर आपको काफी सारे ऑप्शन दिखाई देते हैं। अब भाई देखिए, सबसे ऊपर की तरफ है यहां पर प्रोफाइल। ठीक है, जैसे आप प्रोफाइल पे क्लिक करते हो, उसके बाद यहां पर आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस शो करता है। हो सकता है कि आपके अकाउंट में या फिर आपके अकाउंट सेंटर में यहां पर आपको तीन या फिर दो या फिर जितने भी आपको यहां पर अकाउंट दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है, हो सकता है कि यहां पर आपको एक से अधिक यहां पर आपको अकाउंट शो कर रहे हो। अब वो शो क्यों करते हैं, आप ही लोग यहां से ऐड करते हो, क्योंकि यहां पर जो है ना ऐड अकाउंट का ऑप्शन दिया गया है। अगर हम चाहे यहां पर ऐड अकाउंट पे क्लिक करके यहां से हम और भी इंस्टाग्राम अकाउंट को ऐड कर सकते हैं, फिर फेसबुक अकाउंट को ऐड कर सकते हैं। यानी कि यहां से हम सिर्फ और सिर्फ अकाउंट को ऐड तो कर सकते हैं, लेकिन यहां से हम रिमूव नहीं कर सकते हैं। रिमूव आपको कैसे करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा, बट उससे पहले यहां पर मैं आपको यह बता देता हूं कि यहां पर आपको ऐड अकाउंट पर क्लिक करने से, फिर आपको अकाउंट ऐड करने से यहां से फायदा क्या होता है। ठीक है, तो गाइस देखिए, यहां पर आप जैसे इसको बैक करते हो, यहां पर आपको नीचे की तरफ एक ऑप्शन मिलता है लॉग इन इन विद अकाउंट। ठीक है, आप जैसे इस पर क्लिक करते हो, उसके बाद यहां पर आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाता है। अब यहां पर आपको दो ऑप्शन मिलते हैं। सबसे पहले यहां पर अलाउ ऑल अकाउंट टू लॉग इन इनटू ईच अदर सिंपल, यानी कि यहां पर आप सिर्फ एक क्लिक में तीनों अकाउंट को लॉग इन कर सकते हो अगर आप यहां से इसको टिक कर देते हो। ठीक है, लेकिन यहां पर मैं फिलहाल इस पर ही टिक रहने देता हूं, क्योंकि यहां पर मैं नहीं चाहता कि भाई सिर्फ एक ही क्लिक में यहां पर सभी अकाउंट लॉग इन हो। ठीक है, और साथ ही यहां पर जो दूसरे वाला ऑप्शन दिया गया है, यहां से आप इसको अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हो। ठीक है, तो कुल मिलाकर यहां पर आपको अकाउंट ऐड करने का तो फायदा यही होता है कि यहां से आप सिर्फ एक क्लिक में अपने सभी अकाउंट को लॉग इन कर सकते हो। लेकिन आप में से काफी सारे बंदे यहां पर ऐसे होंगे जो यहां से अपने फेसबुक अकाउंट को रिमूव करना चाहते होंगे, फिर अपने दूसरे वाले इंस्टाग्राम अकाउंट को रिमूव करना चाहते होंगे, यानी कि वो यहां पर जो है ना सिर्फ और सिर्फ अपने मेन अकाउंट को ही रखना चाहते होंगे। ठीक है, तो मैं उनको बता दूं भाई, आप जिस भी अकाउंट को रिमूव करना चाहते हो, यहां से तो आप रिमूव नहीं कर पाओगे। आप जिस भी अकाउंट पे क्लिक करोगे, यहां पर आपको रिमूव करने का ऑप्शन नहीं दिया गया है, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि आपको रिमूव कैसे करना है। सबसे पहले आपको इसको बैक कर देना है एंड इन तीनों अकाउंट में से फिर आपने जितने भी अकाउंट एक दूसरे से कनेक्ट कर रखे होंगे, फिर आप जो भी अकाउंट रिमूव करना चाहते होंगे, तो उसके लिए आपको करने के आपको सिंपली बैक करना है। जैसे आप इसको बैक कर देंगे, उसके बाद यहां पर आपको नीचे की तरफ बनाए, यहां पर आपको सबसे नीचे की तरफ एक ऑप्शन मिलेगा अकाउंट का। ठीक है, आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक कर देंगे, अब यहां पर आप देखिए, यहां पर आपको सभी अकाउंट शो होने लग जाएंगे। ठीक है, अब यहां पर आपको जो भी अकाउंट रिमूव करना है वहां से आपको यहां पर, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं ये वाला अकाउंट रिमूव करना चाहता हूं, यहां पर लिखा है नासिर अलवी, तो यहां पर मैं ये वाला अकाउंट इस वाले अकाउंट से मतलब कनेक्ट है, लेकिन मैं इसको रिमूव करना चाहता हूं। ठीक है, रिमूव कैसे करेंगे, आपको सिंपली रिमूव पे क्लिक कर देना है। जैसे आप रिमूव पे क्लिक कर देंगे, उसके बाद यहां पर आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। ठीक है, अब यहां पर आपको करना क्या है, यहां पर आपको रिमूव पे ही क्लिक कर देना है। अब गाइस यहां पर आपको करना क्या है, आपको सिंपली कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे, उसके बाद यहां पर आपको जस्ट रिमूव पे क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक कर देंगे, यहां से आपका अकाउंट रिमूव हो जाएगा। ठीक है, आप यहां पर देख सकते हो, यहां से अकाउंट रिमूव हो चुका है। चलिए अब यहां पर मैं आपको दिखाता हूं कि वहां से भी रिमूव हुआ है या नहीं। तो यहां पर हम सिंपली प्रोफाइल पे क्लिक करते हैं एंड यहां पर आप प्रूफ के साथ देख सकते हो, यहां से वो अकाउंट हट चुका है। एंड जैसे ही यहां पर मैं इसको बैक करके अगर यहां पर मैं लॉग इन इन विद अकाउंट पे क्लिक करता हूं, तो यहां पर भी आपको वो अकाउंट शो नहीं करेगा। तो इसी तरह से अगर आप फेसबुक करना चाहते हो, फेसबुक का भी हटा सकते हो, इंस्टाग्राम का कोई अदर अकाउंट है उसको भी हटा सकते हो। और अगर आपको ऐड करना है, तो भाई सिंपली आपको करने के, आपको सिंपली प्रोफाइल पे क्लिक करना है। जैसे आप प्रोफाइल पे क्लिक कर देंगे, यहां पर आपको ऐड अकाउंट का ऑप्शन मिल जाएगा, यहां से आप ऐड भी कर सकते हो। तो आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, कैसे आपको अकाउंट को ऐड करना है, कैसे आपको रिमूव करना है। सारी चीजें मैंने आपको इस वीडियो में सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश की। अगर आपका भी कोई डाउट है, तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।